तो दोस्तों, हमने लास्ट जो है क्या कर लिया था? ओके, ये हमने ऐप बना ली थी लास्ट, ठीक है। माई ऐप के नाम से हमने एक रिएक्ट की एक ऐप तैयार की थी लास्ट क्लास में। तो इसको मैं वीएस कोड में ओपन कर लेता हूँ, ठीक है। कोई ऐसा तो नहीं है जो लास्ट क्लास में यहाँ पे मौजूद नहीं था? अगर कोई भी लास्ट क्लास में मौजूद नहीं था तो मैंने स्क्रीन रिकॉर्डिंग करता हूँ मैं क्लास की, तो वो मैंने रिकॉर्डिंग डाल दी थी, तो वो आप जाके देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, ये भी मैं बता दूँ, जो लास्ट क्लास में मौजूद नहीं था उसको आज की क्लास समझ में नहीं आएगी, सही है। तो इसको रन भी कर लेते हैं। रन कैसे किया था हमने? npm start। ये वो ऐप थी जो हमने कल बनाई थी, रिएक्ट की एक ऐप बनाई थी। उसमें जो पहले से ही HTML हम जानते थे उसी में हमने CV तैयार कर ली थी। अब आ जाते हैं हम, और इसको डिप्लॉय करना है अब हमें कहाँ पे? इंटरनेट के ऊपर किसी भी जगह इसको डिप्लॉय करना है। अच्छा, जो इस क्योंकि कुछ स्टूडेंट नए हैं, कुछ स्टूडेंट पहले से मौजूद हैं इस क्लास में, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट थे। कितने स्टूडेंट जो है पुराने वाले हैं? अच्छा, नेटलीफाई सिखा दिया था आपको मैंने लास्ट टाइम, और जो स्टूडेंट अभी आए हैं इनको भी नेटलीफाई पहले से आता है, राइट। तो हम एक काम करते हैं, कोई दूसरा ट्राई करते हैं इस बार, फायर बेस होस्टिंग, सही है, चलेगा? अच्छा, तो फायर बेस होस्टिंग पे करते हैं इस दफ़ा, ताकि वो भी सीख जाए, है ना, रिपीट होगा एक ही चीज़। तो फायर बेस होस्टिंग करते हैं। अच्छा, सबसे पहले मुझे किसी भी जगह पे इसको होस्ट करने से पहले मुझे क्या करना होगा? यहाँ पे एक कमांड चलानी होगी, मैं क्लियर कर लेता हूँ पहले कमांड प्रॉम्प्ट। यहाँ पे मुझे कमांड क्या चलानी होगी? npm run build। अच्छा, ये कमांड अभी मैंने चलाई नहीं है, एंटर प्रेस करूँगा तो यहाँ पे एक फोल्डर बना हुआ आ जाएगा बिल्ड के नाम से, आई थिंक। करते हैं एंटर, यहाँ पे एक नोट करना, देखो एक बिल्ड के नाम से फोल्डर बना हुआ आ गया। ये जो बिल्ड के नाम से फोल्डर बना हुआ है ना, ये प्लेन HTML CSS की फाइल है, सही है। रिएक्ट में जो कोड हम लिखते हैं ना, ये ऐसे रिक्वायर इम्पोर्ट, ये ES6 का कोड है, ये ब्राउजर में सपोर्टेड ही नहीं है, ये मतलब मॉड्यूल जो है तो ब्राउजर में सपोर्टेड ही नहीं है, ठीक है। तो ये एक सिंपल JavaScript की फाइल बन जाती है, और आपने जो JavaScript लिखी थी ना वो कैसी हो जाती है वो भी दिखा देता हूँ। वो हो जाती है ऐसी, कचरा कीड़ा मकोड़ा, सही है, ये बन जाती है आपकी JavaScript की फाइल, अग्लीफाइड और मिनीफाइड। अच्छा, यहाँ पे जो HTML की फाइल है ना, index.html, ये भी अग्लीफाई हो गया और मिनीफाई हो गया ना सब, सही है, सिंगल लाइन में हो गया सारा। ये HTML की फाइल बिल्कुल एक सिंपल JavaScript की ऐप है, जैसे आप HTML CSS JavaScript से बनाते थे ना, ये वो है। डबल क्लिक करूँगा खुल भी जाएगा, ये चल भी जाएगा। ये मैं इसको कॉपी पाथ किया, मैंने इसका कॉपी पाथ, और इसको आई होप कि ये चल जाए सही, बेइज्जती ना करें। अच्छा, ये इस वजह से नहीं चल रहा क्योंकि वो जो पाथ लगा हुआ है ना वो मैच नहीं हो रहा है इससे, वो असल में सर्वर करके चलेगा ये। अगर मैं इस पे जाके ना लाइव सर्वर चला दूँ तो फिर ये सही चलेगा आई थिंक, फिर भी नहीं चल रहा। अच्छा, स्टिल कोई पाथ वगैरह का इशू आ रहा है तो मैं बंद कर देता हूँ इसको। मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि ये जो इंडेक्स की फाइल है ये प्लेन HTML CSS है, रिएक्ट में जो भी कोड लिखते हैं वो कन्वर्ट हो जाता है इसके ऊपर ना। अच्छा, तो ये बिल्ड का फोल्डर हमने देख लिया। अब अगर हम नेटलीफाई पे डिप्लॉय करते हैं तो हम क्या लिखते हैं? नेटलीफाई डिप्लॉय माइनस माइनस प्रॉड। अच्छा, एंटर करते हैं, वो पूछता है भाई कौन सा फोल्डर? बिल्ड का फोल्डर, यही करते हैं ना। अच्छा, सेम चीज़ हमें क्या करनी होती है? फायर बेस डिप्लॉय में करनी होती है, फायर बेस डिप्लॉय एंटर। पूछेगा भाई कौन से में करना है, लेकिन हम ऐसे नहीं करेंगे, हम शुरू से करेंगे फ्रॉम स्क्रैच। फ्रॉम स्क्रैच करने के लिए मुझे क्या करना होता है? सबसे पहले जाना होता है firebase.com पे, ठीक है। firebase.com लिखा, मैं यहाँ पे छोटा सा लिखा हुआ है गो टू कॉन्सोल, तो मैं गो टू कॉन्सोल पे चला गया। अच्छा, यहाँ पे मेरी कुछ एग्जिस्टिंग एप्स पहले से जो बनी हुई है वो भी शो हो रही है,
और यहाँ पे न्यू प्रोजेक्ट बनाने का ऑप्शन मेरे पास आ रहा है, तो मैंने कहा न्यू प्रोजेक्ट, और न्यू प्रोजेक्ट का कोई भी मैं नाम रख लेता हूँ। मैंने कहा कि माई फर्स्ट वेबसाइट, ठीक है, और डिलीट दिस। डिलीट दिस ये कि मतलब बाद में मैं इसको डिलीट कर दूँगा, ठीक है, ओके, आई कंफर्म, कंटिन्यू, ठीक है। अच्छा, ये क्या कह रहा है स्टेप टू में, इनेबल गूगल एनालिटिक्स, रेकमेंडेड, कंटिन्यू, नहीं इसको डिसेबल कर देते हैं, सही है, नेक्स्ट। ज़्यादा सवाल जवाब नहीं करना है, एनालिटिक्स को डिसेबल करके क्रिएट खाना। तो ये मेरा एक नया फायर बेस का प्रोजेक्ट तैयार हो जाएगी। अच्छा, नेटलीफाई में ऑन अदर एंड ऐसा नहीं होता शायद ना, नेटलीफाई में ऑटोमेटिक क्रिएट कर देता है वो नया प्रोजेक्ट। इसमें भी ऑप्शन है भाई मेरे ना, इसमें भी ऑप्शन है, लेकिन हम वो यहाँ से कर रहे हैं फिलहाल के लिए। अच्छा, योर प्रोजेक्ट इज रेडी, कंटिन्यू। जैसे ही मैंने कंटिन्यू किया, ये प्रोजेक्ट खुल के मेरे सामने आ गया। अच्छा, इस प्रोजेक्ट के अंदर अब मैंने क्या करना है, ये मेरे पास सारे ना ऑप्शंस आ रहे हैं कि क्या क्या मैं कर सकता हूँ। तो बिल्ड वाले सेक्शन में मेरे पास क्या लिखा हुआ है, होस्टिंग। फायरबेस में याद रखें बहुत सारे फीचर्स हैं, फायरबेस की ऑथेंटिकेशन भी है, फायरबेस में डेटाबेस भी है, स्टोरेज भी है, होस्टिंग भी है, फंक्शंस है, मशीन लर्निंग, काफ़ी कुछ है इसके अंदर। तो हम फिलहाल के लिए सिर्फ और सिर्फ होस्टिंग को डिस्कवर करने जा रहे हैं। इंशाल्लाह हम फायरबेस का डेटाबेस भी सीखेंगे। फायरबेस का डेटाबेस कोई अच्छा डेटाबेस नहीं है, ठीक है, मैं चाहता नहीं था वो, लेकिन आपके कोर्स में ये इंक्लूडेड है तो हम ये पढ़ेंगे, ठीक है। मतलब कहाँ गया मैं, होस्टिंग। अच्छा, होस्टिंग पे मैंने क्लिक कर दिया, या बिल्ड ओपन किया, होस्टिंग पे क्लिक कर दिया, और गेट स्टार्टेड। गेट स्टार्टेड जैसे ही किया मैंने, तो इसने कहा कि भाई आपने अपने कंप्यूटर में npm install -g firebase tools, ये एक CLI ऐप है, एक सॉफ्टवेयर है जो कमांड लाइन पे चलता है, वो कह रहे हैं कि ये आप इंस्टॉल कर लो अपने पास। मेरे पास ये पहले से इंस्टॉल है, लेकिन मैं फिर भी ये कमांड एक बार रन कर लेता हूँ, जस्ट इन केस अगर मेरे पास ओल्डर वर्जन हो तो। ये मैंने रन कर दिया कमांड, अरे ये हुआ। अच्छा, परमिशन का इशू आ गया, परमिशन इसलिए मुझे सूडो लगाना होगा इस पर, ठीक है, माइनस जी है ना, तो लिनक्स में और मैक में सूडो लगाना होता है, विंडोज़ में कोई मसला नहीं है, विंडोज़ में। ठीक है जी, तो ये इंस्टॉल हो गया, ये मेरे पास CLI इंस्टॉल हो गया। मैंने कहा ठीक है जी, नेक्स्ट कर ली मैंने। उसके बाद कह रहे हैं फायरबेस लॉगिन आप चला लो। फायरबेस लॉगिन भी मेरे पास चला हुआ है, लेकिन मैं एक बार फायरबेस लॉगिन, एक बार फायरबेस लॉगिन रन कर लेता हूँ, ताकि आपको दिख जाएगी ये। ओह अच्छा, ये पहले से कह रहा है लॉगिन है, तो लॉगआउट कर लेते हैं फिर। लॉग आउट करके दोबारा से लॉगिन करके मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। लॉग आउट हो गया, अब मैंने दोबारा लॉगिन चलाया। जैसे ही मैंने लॉगिन चलाया, तो इसने मुझसे पूछा अलाउ फायरबेस टू कलेक्ट CLI एमुलेटर साइट यूजेज। मैंने कहा यस, तो इसने ब्राउज़र ओपन किया, ब्राउज़र पे ये लिखा हुआ गया, मैंने अपना अकाउंट सेलेक्ट किया और अलाउ का बटन दबा दिया, दैट्स इट, ठीक है। वापस CLI पे है, सक्सेसफुली लॉग्ड इन विद दिस ईमेल। फायरबेस लॉगिन सही से चल गया मेरा प्रॉपर। अब अगला काम किया है, फायरबेस इनिट रन करना है मैंने, ठीक है, फायरबेस इनिट रन कर दिया मैंने। फायरबेस इनिट जैसे ही रन किया मैंने, तो ये कह रहा है कि आप इस प्रोजेक्ट में क्या करना चाहते हैं। रियल टाइम डेटाबेस है इनका, बहुत सारी इनकी सर्विसेज हैं, ठीक है, इमुलेटर है, स्टोरेज है, होस्टिंग है, और मैंने कहा होस्टिंग। अच्छा, होस्टिंग में ना इसके बाद दो आ रहे हैं, नंबर एक होस्टिंग कॉन्फ़िगर फाइल एंड होस्टिंग ऑप्शनली गिटहब एक्शंस, और सेकंड आ रहा है कि सेटअप गिटहब एक्शंस। तो मैंने फर्स्ट वाला करना है, सही है, मैंने फर्स्ट वाला कर दिया, स्पेस दबाया इसके ऊपर। अच्छा, फर्स्ट वाला और सेकंड वाले में फ़र्क क्या है। फर्स्ट वाले में वो कह रहा है कि अभी इसी CLI से डिप्लॉय करना है आपने, जैसे करते हैं ना नेटलीफाई डिप्लॉय मैंने, तो ऐसे करना है। सेकंड वाला कह रहा है कि गिटहब के एक्शंस आपने सेटअप करने हैं, कि जब भी गिटहब में पुश करें ऑटोमेटिक उसको उठा लेगा।
तो मैंने फर्स्ट वाला फिलहाल किया है। अच्छा, फर्स्ट वाले में भी लास्ट में ना ऑप्शन मांगता है आपसे, वो ऑप्शनली आपसे लास्ट में फिर भी वो पूछता है। तो मैंने इस पर स्पेस, देखो स्पेस दबाया ना तो ये ग्रीन हो गया हल्का सा, और फिर एंटर प्रेस किया मैंने। अच्छा, अब ये कह रहा है कि भाई यूज प्रोजेक्ट बताओ, कौन से प्रोजेक्ट में करना है, यूज एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट। तो मैंने जो वहाँ firebase.com पे जाके प्रोजेक्ट क्रिएट किया वो मैं यहाँ से भी कर सकता था, ठीक है, लेकिन यहाँ से करने से क्या होता है, वो नेम ना रैंडम दे देता है, इस तरह का वो चक्कर है, इस वजह से मैं शुरू से वहीं जाके क्रिएट करता हूँ। अच्छा, तो मैंने कहा भाई यूज़ एन एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट, इस पर एरो ले जाके एंटर प्रेस किया। ये कह रहे हैं कि आप ना मुझे अपनी आईडी बता दो प्रोजेक्ट की, आईडी कहाँ से मिलेगी मुझे, ये आप देख रहे हो, ये मैंने लिखा था ना माई फर्स्ट वेबसाइट और डिलीट दिस, ये मेरी आईडी है प्रोजेक्ट की, सही है, आप जो भी रखेंगे वो आ रहा हूँ यहाँ। इसको मैंने कॉपी कर लिया इतने को, और कॉपी करके मैं वापस यहाँ आता हूँ और यहाँ पे आके पेस्ट करके एंटर कर देता हूँ, ठीक है। कह रहा है ठीक है जी, हो गया। अब होस्टिंग सेटअप बताओ, क्योंकि होस्टिंग सेलेक्ट की है ना मैंने, तो कह रहा है होस्टिंग बताओ अब कैसे करनी है। कह रहा है योर पब्लिक डायरेक्टरी इज द फोल्डर रिलेटिव, ये पब्लिक डायरेक्टरी पूछ रहा है असल में कि क्या है, और पब्लिक डायरेक्टरी बता भी रहेगा ये होती क्या है। मेरी जो पब्लिक डायरेक्टरी है ना वो बिल्ड का फोल्डर है, यहाँ पे ऐसे ही मैं एंटर कर दूंगा ना कुछ लिखे बगैर, सही है, कुछ लिखे बगैर अगर मैं एंटर कर दूंगा तो ये ब्रैकेट में लिखा था ना ये वैल्यू ले लेगा, ये डिफॉल्ट वैल्यू होती है, लेकिन मैंने क्या करना है, मैंने लिखना है बिल्ड और एंटर। अच्छा, कह रहे हैं कि यार कन्फिगर एज सिंगल पेज एप्लीकेशन। सिंगल पेज एप्लीकेशन क्या होती है कि आप कोई भी URL लिखते हैं ना वो आपको घुमा के एक ही URL पे ले आता है, सिंगल एक ही पेज होता है उसमें, ऊपर URL उसका चेंज नहीं हो रहा होता, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट इस पे जो ऑप्शन दिया हुआ है ना उन्होंने Y और N, जो कैपिटल होता है वो डिफ़ॉल्ट ऑप्शन होता है, अगर मैं कुछ लिखे बगैर एंटर कर दूंगा तो कैपिटल वाले को ये पकड़ेगा। तो मैंने अभी ये सेटिंग चेंज नहीं करनी, मैंने अभी इसको डिफ़ॉल्ट पे रखना है। तो मैंने एंटर किया तो ऑटोमेटिक इसने नो समझ लिया, राइट, ठीक है। अब ये मुझसे पूछ रहा है कि सेटअप ऑटोमेटिक बिल्ड्स एंड डिप्लॉय विद गिटहब, ये भी मैं फिलहाल सेटअप नहीं करना चाहता क्योंकि मैंने रिपॉजिटरी गिटहब में ये वाली पुश नहीं की अभी तक, ठीक है, तो मैं उसको भी नो करता हूँ। लेकिन आप यस करेंगे ना तो ऑटोमेटिक क्या करता है, वो ऑटोमेटिक आपको बोलता है अपना रिपॉजिटरी का URL बताएं और वो हो जाता है। तो मे बी हम वो भी सेटअप करना मे बी कभी देख लें, ठीक है। अच्छा, अब क्या कह रहा है कि फाइल के अंदर कह रहा है index.html ना पहले से है एक बना हुआ, और ज़ाहिर है हमारा फल index.html है, कह रहा है उसको हटा के अपना रख दूँ मैं। तो मैंने बोला नहीं, जो मेरा वाला है वही रहेगा। तो बाई डिफ़ॉल्ट देखो एन कैपिटल है तो नो है बाई डिफ़ॉल्ट। तो ये मेरा जो फायरबेस इनिट था ये कंप्लीट हो गया। क्या किया मैंने, सबसे पहले firebase.com पे जाके ऐप बनाई, CLI इंस्टॉल की, वो एक दफ़ा करना है बार बार नहीं करनी, firebase init किया, और firebase init करने के बाद जो है सॉरी उससे पहले लॉगिन भी किया था, लॉगिन भी एक बार करना है बार बार नहीं करना। तो firebase init करके ये कंप्लीट हुआ। दो एक्स्ट्रा फाइलें firebase.rc और firebase.json आपको यहाँ पे नज़र आ जाएगा, जो इसने आपसे सवालात पूछे हैं वो सारा यहाँ पे जेसन फॉर्म में लिखा हुआ है। जो मुझसे पूछा ना पब्लिक कौन सा है तुम्हारा, मैंने कहा बिल्ड, तो यहाँ पे देखो लिख के इसने सेव कर दिया। ये मैं इसको हाथ से भी चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। तो ये दो एडिशनल फाइल्स आ गई हैं आपके पास। फायरबेस आरसी के अंदर प्रोजेक्ट की आईडी स्टोर है कि किस प्रोजेक्ट आईडी से ये एसोसिएटेड है फायरबेस पे, ठीक है, तो वो यहाँ पे लिखा हुआ गया। आसान था, मुश्किल तो नहीं था। ये फायरबेस इनिट कम्प्लीट हो गया हमारा। अच्छा, बिल्ड के फोल्डर में इसने एक एक्स्ट्रा फाइल बनाई है 404.html, ये पहले मौजूद नहीं थी, ये इसने बनाई है। इसने क्योंकि देखा उस फोल्डर में 404 की फाइल नहीं बनी हुई तो इसने ये बना दी। अब अगर कोई ऐसा URL लिखेंगे ना हम जो एग्जिस्ट नहीं करता तो ये 404 का पेज आ जाएगा। अब अगला काम मैंने क्या करना है, अब सब कुछ सेट है, सिर्फ मैंने कहना है फायर बेस डिप्लॉय। बिल्ड की डायरेक्टरी भी सेट है, नेटलीफाई में हर दफ़ा बताना होता है, इसमें आपको एक बार बता दिया हो गया, डिप्लॉय कर रहे हैं, सही है। और इसके आखिर में इन्होंने मुझे होस्टिंग का URL यहाँ पे दे दिया, देख रहे हो, माई फर्स्ट वेबसाइट -delete-this.web.app। इस पर मैं कंट्रोल क्लिक करूँगा, ये वेबसाइट मेरे सामने आ जाएगी खुल के, ये वो मेरी वेबसाइट, ये इसका URL, सही है, ये मेरी वेबसाइट खुल के आ गई। तो ये रिएक्ट की वेबसाइट को हमने फायरबेस होस्टिंग पे होस्ट करना देख लिया। अच्छा, वो जो GitHub Actions थे ना वो भी ज़रा देख लेते हैं हम ना, वो भी ज़रा देख लेते हैं, वो कैसे देख लेते हैं, मुझे जाके github.com पे एक रिपॉजिटरी बनानी होगी ज़ाहिर है, जहाँ पे मैं इसको पुश करूँ तमाम कोड अपना।
मैंने कहा कि यार माई फर्स्ट वेबसाइट डिलीट दिस ओके इस नाम से पहले से मौजूद है तो एक काम करते हैं ना इस नाम से जब पहले से मौजूद है तो उसी पे कर देते हैं नहीं यार फिर वो डिलीट करना कन्फ्यूजन बढ़ जाएगी इससे बनाते हैं सही है चलो नया बनाते हैं और मैंने कहा क्रिएट रिपोजिटरी क्रिएट हो गई रिपोजिटरी सब लोगों को आता ही है गिटहब में रिपोजिटरी क्रिएट करना अच्छा मैंने इसको अब क्या करना है अपने कंप्यूटर में लाना है कभी भी कोई प्रोजेक्ट जब आप शुरू करेंगे हमेशा याद रखें आपने सबसे पहले गिटहब पे जाके रिपोजिटरी उसकी बनानी है उसके बाद आपने कोई भी काम करना है तो अभी मैं आपको बता रहा हूँ कि वो एक्चुअल में होगा कैसे इसका मैंने ये कॉपी कर लिया यहाँ पे क्लिक किया कॉपी हो गया अब मैंने क्या किया मेरे डेस्कटॉप पे आ गया ठीक है ये मैं इस वक्त किस पे आ चुका हूँ मेरे डेस्कटॉप पे ये टर्मिनल मेरा खुला है यहाँ पे मैंने लिखा गिट क्लोन और वो URL पेस्ट कर दिया गिटहब की रिपोजिटरी का सही है अब मेरे पास मेरी मेरे डेस्कटॉप पे कहाँ पे बनकर आया है वो ये रहा सही है ये बन के आ गया माई फर्स्ट वेबसाइट और डिलीट दिस डेल दिस जो भी लिखा हुआ था अब ये जो रिपोजिटरी है ना ये जो फोल्डर है ये कोई आम फोल्डर नहीं है अगर मैं इसको ओपन करूँगा तो आप देखें इसके अंदर ना हिडन फाइल में अब जब शो करूँगा तो ये छोटा सा गिट बना हुआ आ रहा है हिडन फाइल शो करने पे आएगा ऐसे नहीं आएगा ये ठीक है अच्छा अब मैंने क्या करना है जैसा कि आप सब लोग जानते हैं कि अब ये रिपोजिटरी बन के आ गई इसमें कुछ भी लिखूँगा वापस पुश करूँगा तो वहीं पहुँचेगा जहाँ पे गिटहब की रिपोजिटरी ऐसा ही है ना तो अब मैंने इस एम्प्टी रिपोजिटरी में सारा का सारा कोड रख देना है रिएक्ट का सही है तो एक काम करते हैं ये मैंने रिपोजिटरी खोल ली एक तरफ और ये मैंने अपने रिएक्ट का कोड खोल लिया एक तरफ सही है अच्छा अब ये आप नोट करें जो मैंने रिएक्ट की एम्प्टी जो रिएक्ट की जो मैंने ऐप बनाई थी ना इसमें डॉट ग्रिड पहले से बना हुआ है वो जब रिएक्ट क्रिएट रिएक्ट ऐप से बनाते हैं तो पहले से डॉट ग्रिड हो इसको डिलीट कर देना है पहले फिर से ठीक है वरना ये करेगा पंगा बाद में और उसके बाद इस सबको यहाँ से कॉपी किया कॉपी 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 और इधर आके इन सबको मैंने पेस्ट कर दिया ये मैं कहाँ पे पेस्ट कर रहा हूँ अपनी एम्प्टी गिटहब की जो रिपोजिटरी अभी अभी मैंने क्लोन की है वहाँ पेस्ट कर रहा हूँ मैं और पेस्ट आइटम का मैंने बटन दबा दिया और पेस्ट आइटम का बटन दबाने के बाद असूलन तो मैंने शुरू ही इस तरह करना था एक एम्प्टी रिपोजिटरी बना के उसमें मैंने नया प्रोजेक्ट बनाया लेकिन वेल कोई मसला नहीं है अच्छा उसके बाद मैं ये जो माई ऐप है ना इसको मैं डिलीट कर देता हूँ इसका अब मुझे कोई काम नहीं है मेरी अब रिपोजिटरी में होगा सारा काम जो भी होगा ये हो गया ये तमाम का तमाम अब मुझे कहाँ पुश करना है ये जो क्लोन किया था ना गेट एट डॉट वापस पुश करूँगा है अच्छा मैं सीडी करके इसके अंदर नहीं किया ना ये जो मैंने क्लोन किया है सीडी करके मुझे इसके अंदर जाना पड़ेगा माई फर्स्ट नहीं माई फर्स्ट असल में दो दो है मेरे पास ये आ गया ठीक है माई फर्स्ट रिपोजिटरी डिलीट दिस मैं इस वाले फोल्डर के अब अंदर आ चुका हूँ इस वाले फोल्डर के अंदर आके मैंने कहा गिट एड डॉट एड का गिट एड डॉट सही है उसके बाद गिट कमिट COMMIT कमिट माइनस एम सही है सम कोड कोई भी मैसेज आप लिख सकते हैं मैंने लिखा है सम कोड एंटर तमाम का तमाम कोड क्या हो गया यहाँ पे एंड हो गया उसके बाद गिट पुश और ओरिजिन मेन लिख सकते हैं सिर्फ गिट पुश लिख देंगे तो भी काफ़ी है ठीक है तमाम का तमाम कोड कहाँ पुश हो गया यहाँ पे github.com पे ये वापस पुश हो गया रिफ्रेश किया मैंने यहाँ पे शो हो गया अब मैं इसमें github actions जो है सेटअप कर सकता हूँ सही है कैसे github actions को मैं सेटअप करूँगा यार ये एक्शन पहले से ही इसमें शो कर रहा है कि कुछ बना हुआ पता नहीं क्या शो कर रहा है छोड़ो
ये इसका मतलब होता है एक्शन कुछ है, ये क्या है, ये एक्शन पता नहीं क्या है, साइक्लिक पता नहीं क्यों आ गया इसमें, ये क्या बकवास है, चलो छोड़ो आने दो। अच्छा ये वीएस कोड भी मैं बंद कर देता हूँ क्योंकि ये वीएस कोड तो डिलीट कर चुका हूँ ये सारा कुछ। अब मैं क्या करता हूँ, यही रिपोजिटरी जो मैंने अभी अभी क्लोन की है और उसमें कुछ कोड रख के पुश भी कर दिया है, इसको मैं खोलता हूँ अपने वीएस कोड में, कोड स्पेस डॉट, ठीक है। और अब मैं यहाँ पे क्या चलाने लगा हूँ, फायरबेस इनिट। अब मैं होस्टिंग में कौन सा वाला सेलेक्ट करूंगा, सेकंड वाला, सिर्फ गिटहब एक्शंस मैंने करना है। मैं नीचे आया, मैंने होस्टिंग पे स्पेस दबाया, ग्रीन हो गया, एंटर कर दिया। एंटर करने के बाद मुझसे फिर ये पूछ रहा है क्या करना है। ओके एक मिनट, मैंने गलत प्रेस कर दिया, मैंने गलत प्रेस कर दिया, वो सेकंड वाला करना था मैंने। ये फर्स्ट वाली होस्टिंग है, ये सेकंड वाली होस्टिंग है, गिटहब एक्शंस सेटअप, गिटहब एक्शंस एंटर। अच्छा देखो, मुझसे फॉरन इसने लॉगिन किया, वापस आया। फॉर विच गिट हब रिपॉजिटरी वुड यू लाइक टू सेटअप गिट हब वर्क फ्लो फ्रॉम, कह रहे हैं कि अपनी ना रिपॉजिटरी का यू आर एल बता दें आप। कैसे बताएं यू आर एल, पहले यूजर नेम स्लैश रिपॉजिटरी का नाम। तो मैं अपनी इस रिपॉजिटरी में आता हूँ, ये जो इस रिपॉजिटरी का जो इतना पार्ट है ना मेरा, ये मैंने उसको बताना है, यूजर नेम पहले, उसके बाद स्लैश रिपॉजिटरी का जो जो भी यू आर आई डी है, सही है, रिपॉजिटरी की ये आई डी है मेरी। अच्छा पेस्ट, ठीक है। देखो पहले मेरा यूजर नेम स्लैश और उसके बाद मेरी रिपॉजिटरी का जो भी आईडी है, जो ठीक है। नाम में इसलिए, नाम में क्योंकि स्पेस भी होता है ना, रिट्रीविंग अ सर्विस अकाउंट, ये कुछ इंटरनली कुछ कर रहा है, हमें उससे लेना देना नहीं है क्या कर रहा है, करके दे रहा है मैं ये। ओके अब ये मुझसे पूछ रहा है सेटअप वर्क फ्लो टू रन बिल्ड स्क्रिप्ट बिफोर एवरी डिप्लॉय, कह रहा है कि हर दफा डिप्लॉय करने से पहले क्या कोई कमांड ऐसी है जो आप रन करना चाहते हैं, ठीक है। तो मैंने कहा नो, सॉरी, कमांड तो रन करनी है ना, मैं एन पी एम रन बिल्ड, लेकिन एन पी एम रन बिल्ड के लिए मुझे पहले वो चाहिए होगा, नहीं नो करते हैं उसको फिलहाल, सही है, नो कर दिया। मैंने कहा कोई कमांड नहीं, बस सीधा डिप्लॉय करना है, लेकिन इसके लिए फिर मुझे एडिशनल एक काम करना होगा, बस टू कीप इट सिंपल, अभी इसलिए बता रहा हूँ, मैं सिंपल रखना चाहता हूँ अभी मैं। अच्छा अब ये मुझसे पूछ रहा है कि सेटअप ऑटोमेटिक डिप्लॉयमेंट टू योर साइट लाइव चैनल व्हेन पीआर इज मर्ज, यस ठीक है। पीआर इज मर्ज का मतलब है कि आमतौर पर क्या होता है, हम तो एक ही ब्रांच बनाते हैं ना मास्टर, ठीक है, और हम उसी में डायरेक्ट पुश करते हैं। आमतौर पर डेवलपमेंट एनवायरनमेंट में ना ऐसे काम नहीं होता, सॉफ्टवेयर हाउसेज में और कंपनीज में, वो असल में एक डेवलपमेंट की ब्रांच अलग बनाई हुई होती है उन्होंने, और जब वो फीचर सही हो जाता है ना, प्रॉपर बन जाता है वो, तो फिर उसको मर्ज करते हैं मास्टर में या मेन में, जो भी होता है, ठीक है। तो ये इसलिए कह रहा है, तो इसका मतलब है कि मास्टर में कोई भी कोड पुश हो या कोई भी ब्रांच मर्ज हो तो डिप्लॉय कर दिया जाए। तो मैंने कहा भाई यस, देखो डिफॉल्ट पे भी यस कैपिटल है, तो मैंने डिफॉल्ट ही सारा अभी तक सेलेक्ट किया है, आई थिंक यस। कह रहे हैं कि व्हाट इज द नेम ऑफ गिट हब ब्रांच एसोसिएटेड टू योर साइट लाइव चैनल, कह रहा अपनी मेन जो ब्रांच है ना उसका नाम बता दें आप। तो मैं ज़रा देख लेता हूँ मेन ब्रांच कौन सी है मेरी, एक ही ब्रांच है मेरी वेबसाइट मेरी रिपोजिटरी में इस वक्त, दैट इज कॉल्ड मेन, ठीक है। शुरू में मास्टर होता था लेकिन अब गिट हब वालों ने चेंज कर दिया, तो मेन ही लिखा हुआ आ रहा है यहाँ पे ब्रैकेट में, तो मैं एंटर करूँगा तो ऑटोमेटिक वो मेन ही पकड़ लेगा, ठीक है। सेटअप हो गया, ये क्या कनेक्ट हो गया मेरा, गिटहब एक्शंस मेरे कनेक्ट हो गए। अच्छा ये कंप्लीट होने से क्या पता चला हमें, एक फोल्डर इसने बनाया है नया फोल्डर जिसमें दो अदद यमल फाइल बनाई है इसने, ठीक है। ये यमल फाइल हम हाथ से भी लिख सकते थे, ज़रूरी नहीं था कि हम फायरबेस इनिट करके और पूरा वो सवाल जवाब करें, ये हम हाथ से भी लिख देंगे तो भी हो जाएगा। वेल इसने हमें करके दे दिया, अच्छी बात है। हमें इस फाइल के अंदर हाथ से कोई चेंजेस नहीं करनी है, अगर इसमें हाथ से कोई चेंजेस करेंगे आप तो ये फिर हो सकता है वर्क ना करें, ठीक है। या तो अगर आप फिर गिटहब एक्शंस के डॉक्यूमेंट्स को पढ़ें एग्जैक्टली, आपको पता होना चाहिए कि एक एक वर्ड इसमें क्या लिखा हुआ है, फिर आप भले हाथ से भी चेंज करते रहे, नो प्रॉब्लम, ठीक है। लेकिन इन्होंने ये रेडीमेड सा कोड है हमें इन्होंने लिख कर दे दिया है, तो यही दो फाइल जो है ना, दीज टू फाइल्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर रनिंग एक्शंस, ठीक है। जब तक मैं इस कोड को गिटहब में पुश नहीं करूँगा कुछ भी नहीं होगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये ना हो, मतलब गलती कर दी मैंने कोई, तो इस फोल्डर को डिलीट करके मैं दोबारा से भी कर सकता हूँ,
इस फोल्डर को डिलीट करूंगा, एक्शन सिरे से खत्म हो जाएंगे, ठीक है। तो एक्शन इज नथिंग बट टू फाइल्स जो हम यहाँ देख सकते हैं, दो YAML फाइल्स जो है, ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल में सब कुछ ठीक हुआ है। हाँ, एक चीज़ गड़बड़ है, गड़बड़ ये है कि ये बिल्ड का जो फोल्डर है ना, GitHub में तो पुश ही नहीं हो रहा। तो GitHub से जब वो चलाएगा ना डिप्लॉय की कमांड, तो बिल्ड वहाँ हो गई नहीं। तो मुझे करना ये होगा कि गिट इग्नोर में से आके ना ये बिल्ड को मैं क्या कर देता हूँ, रिमूव कर देता हूँ, ताकि बिल्ड कहाँ जाए, GitHub में पुश हो। सही है, देखो अब बिल्ड का फोल्डर भी क्या होगा, GitHub में पुश होगा। तब जब वहाँ से चलेगी ना बिल्ड की कमांड, तो वो वहीं से निकल जाएगा। अच्छा, और मैंने बोला कि भाई GitHub actions added, सही है, पुश कर दिया मैंने उसको। अच्छा, पुश मैं टर्मिनल से भी कर सकता था, यहाँ से भी कर सकता हूँ, एक ही बात है। यहाँ पे मैसेज लिखा, पुश का बटन दबाया, पुश हो गया, ठीक है। जो मैंने अभी जैसे किया आप सब लोगों ने देखा, मैं ज़्यादातर ये वाला यूज़ करता हूँ, टर्मिनल बहुत कम यूज़ करता हूँ, तो दोनों सही है। लेकिन आके देखते हैं ज़रा GitHub में ये पहुँच गया कि नहीं पहुँच गया। रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे एक्शंस का फोल्डर बना हुआ आ गया है, ठीक है। और एक्शंस में जाके देखते हैं कि वो एक्शन चल रहा है कि नहीं चल रहा। ये देखो चलना शुरू हो गया वो एक्शन, सही है। इस एक्शन के अंदर जाके देखते हैं हो क्या रहा है। बिल्ड एंड डिप्लॉय, ओह अच्छा, बिल्ड यहाँ पे चला रहा है ये। एक मिनट अगर इसको देखता हूँ, उसने लिखा क्या था। वो शायद ये बिल्ड मुझे उसमें डालने की जरूरत नहीं थी, शायद npm run build यहाँ पे चला रहा है क्या ये? जी सर, नहीं, यहाँ पे बिल्ड की कमांड तो नहीं लेकिन लिखी हुई उन्होंने यार। क्या जी, नहीं नहीं बिल्ड का फोल्डर हमें डालना पड़ेगा भाई। हाँ नहीं, मैंने बिल्ड का फोल्डर ऐड कर दिया। यहाँ पे कहीं बिल्ड की कमांड इन्होंने पहले से नहीं लिखी हुई। वेल, तो आ जाते हैं जी, हम देख लेते हैं। तो ये मेरा बिल्ड जो है ना पूरा हो चुका है। ये बिल्ड जो भी था GitHub का एक्शन, वो कम्प्लीटली यहाँ पे रन हो चुका है, चेक लग चुका है। इसका मतलब क्या हुआ कि जो भी चेंजेस थी वो ऑटोमेटिकली GitHub फायरबेस होस्टिंग में जाके पुश हो चुकी है, ठीक है। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करूँगा तो अभी तो कोई चेंजेस नज़र नहीं आएंगे मुझे, क्योंकि पहले से ही यहाँ पे जो भी था वो पहले से ही था। मैंने कोई कोड में ऐसा चेंज नहीं किया था। अब क्वेश्चन ये है कि अगर मैंने कोड में कोई चेंजेस करने हों और दोबारा से उसको डिप्लॉय करना हो, तो मैं क्या करूँगा? मैं ये करूँगा कि SRC में आऊँगा, जो भी मेरा कोड है, ये हमारे दोस्त हैं उनका नाम मैंने हटा दिया था, अपना लगा दिया था। क्या नाम था भाई, स्पेलिंग बताओ? आशारिब और आशारिब अली। मैंने वापस इन्हीं का नाम लगा दिया जो मैंने रिमूव किया था। जब भी आप अपने रिएक्ट के कोड में कोई चेंजेस करेंगे, तो आपके लिए ज़रूरी है कि आप क्या रन करें, npm run build, ठीक है। जब तक आप npm run build नहीं चलाएंगे, वो चेंजेस आपके कोड में रिफ्लेक्ट नहीं होगी, ठीक है। आप नोट करेंगे जैसे ही मैंने npm run build चलाया है, तो build के फोल्डर में जो कुछ फाइल्स बनी हुई थी वो डिलीट होकर दोबारा से बनी है, ठीक है। यानी कि अभी वाला जो आपका सोर्स कोड है उसको उसने कंपाइल किया है build के फोल्डर में, और अब आपने क्या करना है, आगे सिंपली इसको पुश कर देना है, ठीक है। मैंने कहा नेम changed, ठीक है। अब मैं वैसे कोड में कोई चेंज करता रहूँ, पुश करता रहूँ, कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, जब तक build नहीं चलाऊँगा मैं, build की कमांड नहीं चलाऊँगा, सही है। तो पुश कर दिया मैंने, पुश हो भी गया वो। अब जाके यहाँ देखते हैं कि क्या रिपोर्ट है। एक्शन यहाँ पे चलना शुरू हो गया, ठीक है। नेम चेंज्ड, अभी एक्शन के कंप्लीट होने का वेट करते हैं, और फिर हम जाके अपने फायरबेस पे चेक करते हैं कि वो वेबसाइट भी हाथ के हाथ अपडेट हो चुकी है या नहीं हो चुकी। ठीक है जी, चेंज हो गई है। मैं अपने फायरबेस के डैशबोर्ड पे भी ये देख सकता हूँ, मैं अपने फायरबेस के डैशबोर्ड पे भी ना यहाँ पे होस्टिंग में मुझे यहाँ पे नज़र आता रहता है कि अच्छा यार यहाँ पे पहली दफ़ा मैंने डिप्लॉय किया था तो मेरा नाम आ रहा है, अगले दो दफ़ा में GitHub एक्शंस के ज़रिए डिप्लॉय हुआ है तो इसलिए ये नाम लिखा आ रहा है, ठीक है।
ठीक है। और अभी करंट वर्जन जो है वो 3 अक्टूबर को 9:50 PM पे डिप्लॉय हुए और करंट है अभी, ये यानी एक्शन में है इस वक्त। आसान था, मुश्किल तो नहीं था। अच्छा अब आप लोगों को क्या करना है, जल्दी से रिपोजिटरी तो बनी हुई है आपकी गिटहब में, जहाँ पे आपने पुश किया कोड ये बनी हुई है ना। अच्छा नहीं बनी हुई है अगर, तो एक रिपोजिटरी बनानी है एम्प्टी, उसको अपने कंप्यूटर में क्लोन करना है, सारा का सारा रिएक्ट का कोड जो आपने लिखा है उसके अंदर पेस्ट करना है, पेस्ट करके उसको गिटहब में वापस पुश करना है, फायरबेस पे उसको होस्ट करना है। फायरबेस की जो होस्टिंग का लिंक है वो गिटहब में कहाँ पे लगा देंगे आप, यहाँ पे ना, यहाँ पे इस जगह पे अबाउट पे क्लिक करके ना यहाँ पे आप उसको पेस्ट कर देंगे, सही है। तो वो फिर साइड में यहाँ पे डिस्प्ले होना शुरू हो जाता है। और गिटहब एक्शन भी अगर सेटअप कर लें तो ज़्यादा सही है, वो भी सीख जाएंगे आप। तो ये काम ना जल्दी से सब लोग करें, ठीक है।